और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह आज सुबह 11:30 बजे सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेंगे। बताया जा रहा है कि सर्वे की ये रिपोर्ट देर रात तैयार की गई। आपको ये भी बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विशाल सिंह सर्वे रिपोर्ट्स के साथ कुछ अहम दस्तावेज भी कोर्ट में पेश करने वाले हैं। अजय दुबे हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अजय, आज का दिन बहुत बड़ा है, आज सुबह 11:30 बजे पेशी होनी है, साथ ही कुछ अहम दस्तावेज भी बताए जा रहे हैं। निश्चित ही बेहद महत्वपूर्ण दिन है। विशाल सिंह आज के दिन की मुख्य भूमिका में रहने वाले हैं, जो रिपोर्ट पेश करेंगे। लेकिन ये पूरे मामले की कहानी जहां से शुरू होती है, वही एक किरदार मेरे संग है। सीता साहू जी आपको फ्रेम पे दिखाई दे रही हैं, पूजा करने सुबह सुबह आई हैं। जिस जिस दिन कोर्ट में मामला जाता था, जब जिन लोगों ने याचिका लगाई थी, तो हर दिन व्रत रहती थी। आज सबसे महत्वपूर्ण दिन है, तो पूजा करने के लिए पहुंची हैं। आप देख रहे हैं जो ज्योतिर्लिंग तमाम देश भर में है, उनसे जुड़ा हुआ ये मंदिर है, तमाम उनके प्रतिकृति बनी हुई है, उसी के सामने सीता साहू बैठी हैं, हाथ जोड़कर यहाँ पर आज के महत्वपूर्ण दिन के लिए पूजा अर्चना करती हुई। सीता ने हमें बताया था कि जब जब सुनवाई का दिन रहा है, व्रत रही हैं, और आज जबकि महत्वपूर्ण दिन है, सर्वे रिपोर्ट पेश होगी, तो सीता साहू पूजा करने के लिए पहुंची हैं मंदिर में। उनसे ही बात करते हैं। सीता जी, पूजा आपने कर ली है, आप जब जब मुझे बता रही थी पिछले दिनों में जब सुनवाई होती थी आप व्रत रहती थी, आज के दिन को लेके क्या तैयारी है, क्या भूमिका है? आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, तो आज भी हम लोगों ने व्रत ही रखा है, और महादेव जी के सामने आई हूँ, रोज प्रतिदिन आती हूँ, हम लोग के सामने ही पढ़ते हैं, द्वादश ज्योतिर्लिंगों में मतलब 12 पूरा यहाँ पे है, तो रोज दर्शन करने में आती हूँ लगभग। आज सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी, इंतजार इस दिन का, जब से सर्वे का ऑर्डर आया था आप कर रही थी, आप हर दिन सर्वे के दिन अंदर जा रही थी, आज के लिए मन में क्या ख्याल है, सर्वे रिपोर्ट क्या भूमिका रहेगी, क्या सोच रही हैं? मैं ये सोच रही हूँ कि आज बहुत से सच जो छुपाए गए थे, छुपे हुए थे, या तो जानबूझ के छुपाए गए थे या फिर छुपे हुए थे, वो सब सच सामने आएंगे, सारे सच जितने भी छुपे हुए थे, दबे हुए थे, बहुत से ऐसे सच है, हालांकि बहुत से सच तो खुद ब खुद वहां दिखते थे। सर्वे रिपोर्ट का आज बहुत जिक्र हो रहा है, मुझे आप बताइए कि सर्वे रिपोर्ट से पहले आप सच का जिक्र कर रही हैं, नजर से आपने भी कुछ देखा उस ज्योतिर्लिंग को, आपने भी देखा क्या? जी, मैंने भी वहाँ पे, तो क्योंकि कमिश्नरी में अभी सब कुछ कमिश्नर सर के पास था, सब कुछ गुप्त रखा गया था, तो मैंने देखा तो नहीं है वहाँ पर, लेकिन जो आजकल वीडियो एक बहुत वायरल हो गया है, वो वीडियो मैंने भी देखा है, और मुझे पता चला कि वही चीज है, तो वो तो साक्षात शिव ही जी हैं, दिख रहे हैं। आप यहाँ ही देखिए, ये नंदी जी हैं, वहाँ शिव जी हैं, देखिए है कि नहीं, जहाँ जहाँ नंदी जी रहते हैं शिव जी उनके सामने जरूर रहते हैं, वो प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण दिख रहा है कि नंदी जी और शिव जी दोनों हैं। ये मुझे लग रहा है कि जिक्र आप कर रही हैं जोड़ के, जो मंदिर के अंदर है, मंदिर में जो नंदी है उससे जोड़ के। जी जी, जो नंदी जी अकेले खड़े हुए हैं, सामने बड़ी सी दीवार है, फिर उसके बाद अंदर शिवलिंग है, तो क्या है यहाँ पे, कैसे इसको जोड़ के दिखा रही हैं आप, जरा बताइए क्या कह रही हैं? आप देखिए ना, यहाँ पे नंदी जी हैं, सामने वहाँ शिव जी हैं, ऐसा कोई मंदिर शिव जी का नहीं, कोई, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो छोटे शिवलिंग हो बड़े शिवलिंग हो, नंदी जी उनके सामने जरूर रहते हैं, जरूर रहते। आप यहाँ भी देख सकते हो, किसी भी मंदिर में आप चले जाओ, शिव जी का जो भी मंदिर रहेगा, हालांकि शिव जी के मंदिर में हर जगह शिव जी का रहता है, एक नंदी जी सामने जरूर रहते हैं, जितने भी शिवलिंग हैं आप देख लेंगे नंदी जी जरूर रहेंगे, वहाँ भी यही हाल है, नंदी जी अकेले खड़े हैं, उतने बड़े से नंदी जी बिल्कुल अकेले, तो बहुत दिनों से दिख रही है, क्योंकि आज सर्वे रिपोर्ट जा रही है, अंदर देखने वाली कोई बात आप बताएंगे क्या, कि अंदर और क्या क्या देखा आपने? ये चर्चा कि नंदी का इंतजार, ये तो दशकों से इसकी चर्चा हो रही है, सदियों से बताया जाता है कि ये इंतजार हो रहा है, और क्या क्या देखा, कुछ और बताएंगे आप? अभी तो ये कमिश्नर ने आज सौंपा है, न्यायालय देखेगी उसका जो है कि जो आदेश देना होगा देगी, हालांकि जो हम लोग जानते हैं, हम लोग सच के साथ है, सत्यमेव जयते कहा जाता है, सत्य ही सत्यमेव जयते, शिव ही सुंदर है, शिव ही सुंदर है। और अच्छा, मुझे ये बताइए, अजय मिश्रा जी की एक और याचिका लगी है कि उनकी भी सर्वे रिपोर्ट का इसका हिस्सा बनाया जाए, ये विशाल सिंह अजय मिश्रा का जो कॉन्फ्लिक्ट है, आपको लगता तो नहीं है इसके चलते कुछ लॉस हो जाएगा सर्वे के काम? नहीं नहीं, कुछ नहीं लॉस होगा, दोनों ही निष्पक्षता से किया है उन्होंने, दोनों लोगों ने, तो हमारे हम जहाँ तक हमें मुझे लगता है, हम चारों लोगों को लगता है हमारे पक्ष में ही आएगा, क्योंकि साक्षात प्रमाण सब कुछ दिख रहे हैं, प्रमाण सारे हैं। तो सर्वे रिपोर्ट को लेके मैं ये खत्म करूंगा, इस सवाल पे बाकी बातें को खत्म करूंगा, आप क्या मान के चल रही हैं कि जो पूरी प्रक्रिया है कोर्ट में, हायर कोर्ट्स में जाने को जब स्थिति बनेगी, तो प्रिपरेशन आपके वकीलों ने, आपने सबने, और क्या आपके मामले में भी सुनवाई आज होगी? आपको भी एक मामला लगा है पूजा के लिए? हाँ, आज सुनवाई हम लोगों की होगी,
हम लोगों ने पूजा ये याचना लगाया था कि वो वहाँ पर जो वजू करते हैं वहाँ पर लैट्रिन और वजू करते हैं, साथ में वहाँ सुन रहे बहुत मलबा है, गंदगी है, दीवारें, तो हम लोग चाहते हैं कि वहाँ भी और उस हिस्से को खोदा जाए, ताकि हम लोग को पूरा पूरा विश्वास है कि जैसे यहाँ पे देख रहे अर्धा बना है, सारे शिवलिंग में अर्धा भी बना रहता है जो कि माँ पार्वती माँ गौरा का स्वरूप होता है, तो हम लोग को पूरा विश्वास है कि वहाँ भी अर्धा बना होगा जो है कि दिखेगा, तो हम लोग यही चाहते हैं कि उसको और खोदा जाए, देखा जाए, वहाँ से मलबा हटाया जाए। जी अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। ABP News आपको रखे आगे।